आज की बहस जरा समझ लीजिए। नोटबंदी का फैसला यूपी में किसके लिए वोट बंदी साबित होगा, ये अब बड़ा सवाल हो गया है। और क्या नोट बैन यूपी के टेस्ट में पास होगा, ये सवाल आज इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस फैसले का विरोध करते हुए उन 14 लोगों के परिवारों को 2-2 लाख का मुआवजा दिया है, जिनके बारे में विपक्ष लगातार दावा कर रहा है कि उनकी मौत नोट बैन के फैसले की वजह से हुई है। अखिलेश यादव ने आज कहा कि यूपी में जिन 14 लोगों की मौत के लिए वो 2-2 लाख का मुआवजा दे रहे हैं, उनकी मौत नोटबंदी के बाद लाइनों में लगकर हुई है और यही लाइन अब समाजवादी पार्टी को वोट देने में काम आने वाली है। कुछ ऐसी बातें आज अखिलेश यादव ने यानी यूपी के सीएम ने रखी है और इसीलिए तमाम सवाल हम पूछ रहे हैं। दो खास मेहमान अभी हमारे साथ हाल में जुड़े हुए हैं और कुछ ही देर में हमारे साथ कुछ और मेहमान जुड़ जाएंगे। अभी संबित पात्रा जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है, डॉक्टर पात्रा बहुत बहुत स्वागत है आपका, और हमारे साथ आलोक जी भी जुड़ गए हैं जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले इस मसले पर डॉक्टर पात्रा आप ही से ये सवाल बनता है क्योंकि समाजवादी पार्टी के हमारे मेहमान कुछ देर में जुड़ने वाले हैं। अखिलेश यादव का ये कहना कि इन लोगों की लाइनों में लगकर मौत हुई है और इसीलिए इनको 2-2 लाख रुपए मुआवजा देना बनता है, आपको लगता है कि नोट बैन पर ये वोटों की चोट करने की कोशिश? देखिए, पहली बात है, जहाँ तक मौत का सवाल है और जहाँ तक कॉम्पेंसेशन का सवाल है, मुझे लगता है बड़े सेंसिटिविटी के साथ, बड़े संवेदनशीलता के साथ इस विषय को हमें रखना चाहिए। देखिए, मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री के अपने दायित्व होते हैं, उनका अपना अधिकार क्षेत्र होता है, वो उनका अधिकार क्षेत्र है, वो अगर कॉम्पेंसेशन देना चाहें तो दे सकते हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि देखिए, मौत के ऊपर किस प्रकार से सियासत करना ये उचित नहीं है और जनता को कभी भी मूर्ख मत समझिए। जनता हमेशा, आप देखिए, हम डिबेट करें या ना करें, मगर जनता हर बात का परत दर परत अर्थ समझती है और वो जानती है कि ऐसा क्यों करने की कोशिश की जा रही है। मगर मैं इसे एक राजनीतिक परिधि में लाने की प्रयास नहीं करूंगा क्योंकि मेरा मानना है कि जिन परिवारों में किन्हीं भी कारणों से मौत हुआ हो, आप इसको नोटबंदी से जोड़ रहे हो, नहीं जोड़ रहे हो, अगर हम इस पे तूतू में करेंगे तो उन परिवारों को आघात पहुंचता है, उनको बड़ी तकलीफ होती है कि एक तो हमारे घर में मौत हुई है, ऊपर से राजनेता उस पर राजनीतिक बेनिफिट लेने के लिए टीवी पे बैठ के तूतू में भी कर रहे हैं। मैं इतना ही कहूंगा, अखिलेश जी आपका अधिकार है, जरूर कर सकते हैं, मगर देखिए, अखिलेश जी हों या आदरणीय राहुल गांधी जी, मेरा सिर्फ इतना कहना है, मेरे आलोक भाई भी बैठे हैं, आलोक जी भी यंग हैं, मैं भी यंग हूँ, आप खुद रूबिका जी एक देश की इतनी बड़ी एंकर हैं, आप भी यंग हैं, हम सब यंग लोगों को अगर हिंदुस्तान के विषय में एक बहुत बड़ा परिवर्तन को लेकर सोचना है तो नोटबंदी में ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन में आपको लगता है कोई मुश्किल है तो प्लीज़ डिबेट करिए, डिस्कस करिए, मगर नोटबंदी पर इस प्रकार राजनीति करना, डिजिटल इकोनॉमी के लिए, देखिए मैं राहुल जी के भी स्पीच को सुनता हूँ, वो बार बार कहते हैं कि क्या साधारण आदमी डिजिटल इकोनॉमी में घुस सकता है, नहीं घुस सकता है। अखिलेश जी भी एक यंग नेता होते हुए कहते हैं क्या सब कोई डिजिटल इकोनॉमी में घुस सकता है, क्या कैश पेमेंट छोड़कर कोई कार्ड के माध्यम से या के माध्यम से पेमेंट कर सकता है? बिल्कुल सही बात है, 100% लोग नहीं कर सकते हैं, तभी तो हम लेस कैश की बात कर रहे हैं। अगर युवा नेता इस प्रकार से ऑप्टिमिज्म के बदले पेसिमिज्म दिखाए, उदासीनता दिखाए, तो आप बताइए हिंदुस्तान आगे कैसे जाएगा। मैं तो इतना बोलता हूं, आप एक युवा मुख्यमंत्री हैं, बहुत आशाएं थी आपसे, दुख के साथ कहना पड़ रहा है वो आशा पूरी भी नहीं हुई और आप एक विजनरी लीडर के रूप में भी उभर के नहीं आ रहे हैं। मोदी जी एक विजन के साथ आए, आप कम से कम उस विजन के साथ, उस मिशन के साथ खड़े तो नजर आते, आप खड़े नहीं है, आप उल्टा उस पर कुठाराघात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि लाइन, यही लाइन हमारी वोट बन जाएगी। ठीक है, हाँ, डॉक्टर पात्रा, आपको ये लगता है कि इसमें कुल मिलाकर पॉलिटिक्स हो रही है और बीजेपी इस पॉलिटिक्स से दूरी बनाए हुए हैं, आप ये मान रहे हैं? मैं आऊं आपके पास, उससे पहले दो और खास मेहमान जुड़ गए हैं, सैयद असीम वकार साहब जो कि समाजवादी पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं और पार्टी में सचिव भी रह चुके हैं, और एच के दुआ साहब वरिष्ठ पत्रकार है, पूर्व राजनयिक है, पूर्व राज्यसभा सदस्य, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस और द ट्रिब्यून के एडिटर रह चुके हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और 1998 में पद्म भूषण से सम्मानित भी हुए हैं। सैयद असीम वकार साहब, सीधा सीधा आरोप आज की तारीख में जब 2-2 लाख के मुआवजे का ऐलान सीएम की तरफ से होता है तो कहा जा रहा है कि आप सिर्फ वोट की राजनीति कर रहे हैं, आप इन मौतों का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं 11th आवर में। देखिए, मैं पात्रा जी को सुन रहा था, रूबिका जी, सबसे पहली बात तो मैं पार्टी का प्रवक्ता भी हूं और प्रेजेंट में प्रवक्ता हूं जी। सैयद साहब, पात्रा जी अपनी बातों के लिए बहुत मशहूर हैं, लेकिन पात्रा जी अपनी बातों के लिए बहुत मशहूर हैं लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी है भारतीय जनता पार्टी में, जो वो सही से बचाव नहीं कर पा रहे हैं।
मोदी जी देश को आगे ले आने की बात करते हैं तो समाजवादी पार्टी पीछे ले आने की बात नहीं करती है, लेकिन जबान से आगे ले जाना और धरातल पर आगे ले जाना दोनों अलग अलग बातें हैं। काम करके आगे लेके जाना ये समाजवादी पार्टी का काम है, और जबान से और बातों से आगे ले जाना भारतीय जनता पार्टी का काम है। आपने कहा हम डिजिटल मनी का इस्तेमाल करेंगे, स्मार्टफोन का इस्तेमाल मोदी जी कह रहे हैं आप कीजिए और स्मार्टफोन से पेमेंट कीजिए और पेटीएम कीजिए और एटीएम कीजिए। पात्रा जी से मैं इतना पूछना चाहता हूं कि क्या उनके पास जानकारी इस बात की है कि हमारे मुल्क की 125 करोड़ की आबादी में 65% आदमी के पास स्मार्टफोन नहीं है। छोटे फोन, छोटे वाले जो सस्ते वाले फोन होते हैं वो बहुत से लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने स्मार्टफोन की बात की कि आप मोबाइल से पेमेंट कीजिए और मोबाइल इस्तेमाल कीजिए, आपने स्मार्टफोन तो दिया नहीं। अखिलेश जी ने भविष्य को देखते हुए पहले स्मार्टफोन देने की बात की है कि हम अगर चाहते हैं देश को आगे ले जाना तो हमें देश के हाथ में स्मार्टफोन देना होगा। देश के बच्चों को अगर हम शिक्षा देना चाहते हैं, अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, तो उनको लैपटॉप देना होगा। अगर हम चाहते हैं कि दिल्ली से लखनऊ तक आदमी आसानी से आ जाए तो हमको सड़क बनाना होगी। हम जबान से लेकर नहीं आएंगे, हमको अच्छी सड़कें चाहिए। ठीक है, ठीक है। अगर कारोबार बढ़ाना चाहते हैं तो हमें उसके लिए अच्छी सरकार में आप आए हैं, भारतीय जनता ने आपको चुना है। जबान से दिल्ली से लखनऊ पहुंचाती है। साहब एक सेकंड, आप आए हैं, जनता ने आपको चुना है, आपको काम के लिए चुना है और आपको वो काम करना ही होगा। ये आपका फर्ज है, ये आपका कर्तव्य है। कुल मिलाकर बात आज यही पूछी जा रही है कि अगर आपको लगता है कि ये जो लोग लाइन में खड़े हुए हैं जिनकी मौत हो गई, जो कि वाकई बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, आप उनको अगर 2-2 लाख रुपया देते हैं, आप दूसरा शहीदों को 2-2 लाख रुपया देते हैं, आप इस टाइम पर उन्हें पैसा देकर क्या वोट की राजनीति नहीं कर रहे हैं? आपको वो बच्ची क्यों नहीं नजर आई जिसके साथ, वो 7 साल की बच्ची जिसके साथ कल रेप हो गया, पुलिस स्टेशन से 100 मीटर की दूरी पर उस बच्ची को रोता बिलकता तड़पता छोड़ गए, उनकी तो याद नहीं आई सीएम साहब को? इसीलिए मैं कह रही हूं वोट की राजनीति सर। नहीं देखिए, बिल्कुल आपकी बात नहीं, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील हैं और जिनको आपने ये जिक्र किया कि 2-2 लाख रुपए लाइन में खड़े होकर दिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से शुरू में जब ये पूछा गया कि लोग जो बैंक में खड़े हैं उनकी मौतें हो रही हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के काबिल प्रवक्ताओं ने यह बात कही कि वो तो देश के ऊपर शहीद हो रहे हैं। अब आप ये बता दीजिए कि लोग लाइन में लगकर अपने पैसे को लेने के लिए, ये कितना दुर्भाग्य है, कितनी बदनसीबी हमारे मुल्क की है कि आप ऐसे फैसले ले रहे हैं कि बैंक की लाइन में खड़े होकर लोग दम तोड़ रहे हैं। और हद हो गई कि लोग मर तो रहे हैं लेकिन एक बच्चा ऐसा है जो बैंक की लाइन में पैदा भी हो गया। अब अंदाजा लगा लीजिए उस मां का कि वो कितनी मजबूर और कितनी ज्यादा परेशान होगी कि वो लाइन में लगकर पैसे ले रही थी, गर्भवती महिला थी और इतनी मजबूर थी कि उसको वहीं उसका बच्चा पैदा हो गया लाइन में। इस तरह की हरकतें भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद नहीं की जा सकती थी। भारतीय जनता पार्टी ने देश के विकास की बात की थी, सर वही अच्छे सवाल, दिन की बात की थी, वही सवाल क्या यही अच्छे दिन है? क्या इसी को अच्छे दिन कहा जाता है? मैं ये कह रही हूँ अगर सीएम साहब को उस औरत की, उस महिला की परेशानी दिख रही है तो ये 7 साल की मासूम बच्ची की परेशानी सर क्यों नजर नहीं आ रही है? इन दोनों के दुख अलग अलग हो गए और वोटों के हिसाब से आप डिसाइड करेंगे कि इसका दुख ज्यादा है और इसका दुख मेरे लिए ज्यादा फेवरेबल है। मैं आपसे जवाब लूं, उससे पहले जवाब दीजिए संबित पात्रा, जो आज वकार साहब आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आपने अगर इन सारी चीजों पर पहले से सोच समझ के चीजें की होती तो आज इस तरीके की बहस या डिबेट नहीं हो रही होती, या फिर इसका फायदा नहीं उठाया जा रहा होता कि 2-2 लाख रुपए मुआवजा दीजिए जो लाइन में खड़े मर गए उनके परिवार वालों को। मैं दोनों का जवाब देता हूं और कम शब्दों में, क्योंकि मुझे दो मेहमानों के पास भी जाना है सर। वकार जी का पहला बिल्कुल बिल्कुल पहला जो प्रश्न था कि स्मार्टफोन के बिना बैंकिंग नहीं हो सकता है, मैं आपको ठीक करूं, ये सरकार का दस्तावेज है, मैं अखिलेश जी को भी भेजूंगा, वैसे पहुंच चुका है। आप देखिए बिना स्मार्टफोन के भी हो सकता है, वो है USSD बेस्ड मोबाइल बैंकिंग, उसमें सिंपल मोबाइल फोन आप ये देख सकते हैं, मैं कैमरामैन को कहूंगा ये देश देख रही है इसलिए आवश्यक सूचना है ये। आप देखिए सिंपल मोबाइल से जिसमें इंटरनेट कनेक्शन भी नहीं चाहिए, ये सरकार ने सभी मुख्यमंत्रियों के पास भी भेजा है, सबके पास ये चीज़ है, ये सब जानते हुए आप यहाँ झूठ फैला रहे हैं।
बिना इंटरनेट कनेक्शन के साधारण से मोबाइल से भी प्रति एक व्यक्ति रोज 5,000 रुपए ट्रांसफर कर सकता है। प्लीज अखिलेश जी को ये समझा दीजिएगा, मैं ये किताब उनको भेजूंगा नहीं तो। ये है ये किताब, डिजिटल पेमेंट कैसे होती है। दूसरी बात, आपने मौत की बात की, देखिए मौत पे मैं बिल्कुल कोई कमेंट नहीं करूंगा। मैं आपसे इतना ही याद दिलाना चाहूंगा कि इसी जी न्यूज पे आप ही के साथ बैठ के मैंने एक डिबेट किया था, जहां एक लड़की की भ्रूण निकालकर उसको दिया गया था जब बच्चा पैदा होते समय, वो बेचारी अपने ही अबॉर्टेड बच्चे को लेकर, भ्रूण को लेकर दर दर ठोकर खा रही थी, क्योंकि उसको कहां जमा करना है उसे खुद पता नहीं था। रूबिका जी, शायद आपको याद होगा कि इस प्रकार का डिबेट हुआ था। तो आप आज इस प्रकार मौत की राजनीति कर रहे हैं। मैं मानता हूं बिल्कुल कि कुछ लोगों को बहुत तकलीफ हुई होगी, अभी मुंबई में बोलते हुए प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा कि लोगों को बहुत तकलीफ हुई है, उसके बावजूद भी उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा है। वकार भाई, मैं आपसे भी कहूंगा, आपने धरातल की बात की, उत्तर प्रदेश में धरातल की सच्चाई क्या है, यहां बैठे बच्चा बच्चा जानता है। उत्तर प्रदेश की धरातल में चले जाएंगे, ना सड़कें हैं, ना बिजली है, ना पानी है। बिजली आती है तो पूरे दिन में एक घंटे के लिए आती है, इसके लिए मुझे डिबेट की भी आवश्यकता नहीं है, हर कोई सच्चाई जानता है। ठीक है, और आप बोल रहे हैं धरातल में आपने बदल दिया उत्तर प्रदेश को। ठीक है, इसीलिए आप कह रहे हैं वो परिवर्तन यात्रा आप निकाल रहे हैं, और उसमें दमखम से आप ये कह रहे हैं कि आप जो है इस बार चुनाव जो है जीतने वाले। बहरहाल मेरे साथ आलोक जी भी जुड़ गए। आलोक जी, पहले तो इस खबर के बारे में बता दीजिए कि अगले 48 घंटों में इस बात का फैसला हो जाएगा या इस बात का ऐलान कर दिया जाएगा कि एक महागठबंधन है जो इस बार यूपी में चुनाव लड़ा है, इस पर पहले सफाई दे दीजिए, क्या ऐसा कुछ है? नहीं, सफाई देने को क्या कोई क्राइम हो गया है? नहीं, बिल्कुल क्राइम नहीं है। टिप्पणी दे सकता हूं सर, मेरे पास इसकी पुष्टि नहीं है ना, तो आप मुझे आप साफ कर दीजिए ये बात सही है या नहीं। नहीं नहीं, सफाई शब्द गलत है। जी, मैं उत्तर दे रहा हूं, लेकिन बहुत देर से बैठे हैं, थोड़ा समय दीजिएगा। सबसे पहली चीज तो यह है कि कांग्रेस पार्टी 404 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। हाई कमान के लेवल पर अगर कोई चर्चा हो रही है तो उसके लिए मैं अधिकृत नहीं हूं अभी कि उसका उत्तर दिया जाए। लेकिन अगर किसान, गरीब, मजदूर, शिल्पकार, कारीगर, उत्तर प्रदेश की जनता जो पिस रही है आज, उसको अगर जन विरोधी तानाशाह से मुक्ति मिलने के लिए कोई कदम उठाया जाएगा तो हम जरूर उसमें गठबंधन की विचार करेंगे। अब तीन चार चीजें आई यहां पर। आज का जो मुख्य विषय था मौत का, मोदी साहब का आपको वक्तव्य याद होगा, भाइयों बहनों मर जवान मर किसान। आज मोदी साहब के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हम मौत के ऊपर राजनीति नहीं करते, एक सर के बदले 10 सर। मेजर हेमराज विक्रम बत्रा की शहादत पर इन्होंने चुनाव लड़ा था, लव लेटर की बात करते थे, निर्भया फंड से, अभी बच्चियों की बड़ी बात कर रहे थे संबित पात्रा साहब बड़ी गोलमोल करके, निर्भया फंड से उत्तर प्रदेश सरकार को कितना रुपया दिया है जरा बताएं वो देश की जनता को। बॉर्डर पर जो लोग शहीद हुए और नोटबंदी में जो शहीद हुए, इनके दिल में इतना उनके लिए रहम नहीं हुआ कि संसद में उनके लिए एक मिनट का मौन रखवा सकें। जहां तक बात अभी मोदी साहब की, इन्होंने कही कि वहां से वो बोल रहे थे अभी महाराष्ट्र से, मैं पूछना चाहता हूं उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को जो पीटती है शिवसेना, उनके साथ वो मंच साझा कर रहे थे। जो लोग कारीगर उत्तर प्रदेश और बिहार से मुंबई में काम करने जाते हैं, शिवसेना के लोग उनके साथ क्या बर्ताव करते हैं, 3 दिन पहले वहां पर क्या हुआ है, मोदी साहब जरा उसका भी बता दें। नहीं नहीं सर, मोदी साहब ने तमाम झूठ बोले वहां पर खड़े होकर अभी। नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं बिल्कुल फेडरल स्ट्रक्चर में यकीन करता हूं, सुनिए जरा। तो रूबिका जी, रूबिका जी, मैं कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं साइडलाइन कर दिया जाए। नहीं, बस मुझे ये समझना है, आप बता दीजिए। मैं समझता हूं, नहीं, मैं उत्तर देता हूं। अगर वोट से ही सब कुछ होता है तो दिल्ली में क्या रिजल्ट रहा बीजेपी का, बिहार में यही हमारे डॉक्टर साहब बैठ के एफिडेविट बांटते थे जी न्यूज पर बैठकर कि मैं एफिडेविट दे रहा हूं कि बिहार में हम जीतेंगे, क्या हुआ? वेस्ट बंगाल में खाता नहीं खुला, तमिलनाडु में खाता नहीं खुला, केरला में सरकार नहीं बनी। अब मोदी साहब कहते हैं साहब हमने तो काले धर के ऊपर अटैक कर दिया है। अरे महाराष्ट्र के जिस मंत्री के पास 91 लाख रुपए मिले वो भी अभी बीजेपी में है, मध्य प्रदेश का जो नेता बीजेपी का जिसके पास करोड़ों रुपए मिले वो भी बीजेपी में है अभी, वेस्ट बंगाल का मनीष शर्मा जो कैंडिडेट था जिसके पास 35 लाख रुपए मिले वो भी बीजेपी में है अभी। शहर शहर गुलाबी गैंग काम कर रहा है और मोदी साहब सहारा और बिरला से जो आपने पैसे लिए थे, नहीं, मैं बिल्कुल अच्छी बात कैसे हो गई, करोड़ों रुपया बैंकों के कर्मचारियों ने घोटाला कर दिया वो भी अच्छी बात हो गई। पकड़े जाने वाला जो गलत है वो पकड़ा जा रहा है। अरे भाई पकड़े जाने वाला कौन पकड़ा जा रहा है? 125 लोग
रूबिका जी, रूबिका जी सवा सौ लोग, रूबिका जी सवा सौ लोग पकड़े गए, तीन लोग बिहाइंड द बार्स हैं आज की तारीख में, बाकी सब नहीं, नहीं बाकी सबको जमानत मिल गई। आप बताइए कौन कौन लोग हैं। ठीक है, ईडी को नोटिस देना पड़ा एक इन सवालों का जवाब ले लूं सर, सुप्रीम कोर्ट के कहने पर सर मैं सवालों का जवाब ले लूं, आप सारे सवाल पूछ लेंगे तो फायदा क्या होगा आलोक जी, बस केवल 30 सेकंड और मुझे दे दीजिए, 20 सेकंड और फिर 30 सेकंड मुझे केवल और दे दीजिए। रूबिका जी, नहीं रूबिका जी, मैं बहुत देर से बैठा हूँ जी, मुझे बताइए जिस समय पर 250 रुपए पेंशन थी 2013 में वृद्धावस्था पेंशन में, मुझे बताइए उस समय पर दिल्ली के अंदर 1000 रुपए पेंशन थी कि नहीं थी। मोदी साहब जिस तरह की लफाजी कर रहे हैं 7 रुपए पेंशन 5 रुपए, संबित पात्रा जी अभी बताइए कौन से राज्य के अंदर 7 रुपए और 5 रुपए वृद्धावस्था पेंशन थी 2014 के अंदर, उस राज्य का नाम बताइए आलोक जी। इसके बाद आपने कहा कि साहब हमने 1000 भाषण पर तो कोई डिस्कशन नहीं कर रहा था, अंतिम वाक्य बोलना चाहूंगा मैं, कुल मिलाकर आलोक जी मुद्दा जो आप जानबूझ के नहीं करेंगे, नहीं ऐसा क्यों, ये आपके इल्जाम लगाने के सर, ये इस ट्रेंड को थोड़ा छोड़ दो, नहीं मुझे बताइए ना, डिबेट जब कर रहे हैं अगर बिजली 1000 दिन में जाती है, आप मेरी बात मुझे बताइए, 7 लाख सर नोटबंदी को लेकर जब चर्चा हो रही है तो आप उस डिबेट में कहां जा रहे हैं, तो 120 साल लगेंगे, एक एक सवाल आपका सुना है डॉक्टर पात्रा ने और उनको जवाब देना है सर, जवाब वो देंगे, अब रुक जाइए एक सेकंड ताकि मैं अपने चौथे मेहमान के पास भी चली जाऊं। एचके दुआ साहब, कुल मिलाकर मुद्दा तय हो गया है उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए, ये मुद्दा कोई और नहीं रहने वाला है, ये मुद्दा सिर्फ नोटबंदी रहने वाला है, या फिर आपको लगता है कि डेवलपमेंट को लेकर भी किसी तरह की कोई अलग चर्चा हो पाएगी, क्या रीड कर रहे हैं आप? देखिए इलेक्शन में मुद्दा एक नहीं बनेगा, कई बनेंगे, यूपी की डेवलपमेंट भी होगी और मोनेटाइजेशन भी होगी, ये भी मुद्दा होगा, दोनों होंगे, और बाकी पार्टियों की जो परफॉर्मेंस है फील्ड में किसने कितना काम किया है वो भी होगा, कास्ट भी होगी, बहुत कुछ होगा, और उसमें जब अगर कोई गठबंधन बनता है वो भी मुद्दा हो जाएगा। तो इस वक्त जो इलेक्शन का क्लाइमेट है यूपी में ओपन क्वेश्चन है, अभी खुला सवाल है, इसका जवाब कहना कि किस कौन सा मुद्दा आगे बढ़ेगा कौन सा नहीं बढ़ेगा वो अभी गलत होगा, लेकिन कहना कि मोनेटाइजेशन मुद्दा नहीं बनेगा ये बिल्कुल गलती होगी। जो लाइन में खड़ा होता है 4 घंटे अपने पैसे के लिए और उसको पूरा पैसा नहीं मिलता, वो भी कम मिलता है अगर मिला तो, एटीएम में जो खड़ा होता है और इंतज़ार करता है 2-2 घंटे 3-3 घंटे और फिर पैसा होता है कि नहीं एटीएम में और पैसे ही नहीं है, और कहना कि वो मुद्दा नहीं बनेगा, वो तकलीफ जो है वो बर्दाश्त करता जाएगा, ये गलतफहमी होगी। तो इस गलतफहमी को बीजेपी को दूर कर देनी चाहिए कि वो मुद्दा नहीं बनेगा, लेकिन कहना कि सिर्फ यही मुद्दा होगा और भी मुद्दे होंगे, तो जो वोटर जब देता है जो उसका अपना एक्सपीरियंस होता है सरकार के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ पार्टियों के साथ जो अपना एक्सपीरियंस होता है उससे वो वोट देता है पूरा, तो काफी मुद्दे और एक साथ आने वाले हैं, इसीलिए सर अब ये सवाल जो है वो वाजिब हो जाता है कि क्या यूपी की बोर्ड परीक्षा में नोट बैन को पास या फेल करने के लिए जो नोटबंदी एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है इस इलेक्शन यूपी में भी इलेक्शन में होगा। ठीक है सर, और ये सारे जानते हैं, मोदी जी भी जानते हैं, बीजेपी भी जानती है, बाकी पार्टी भी जानती है।